बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे पास। आगामी 5 सितंबर 2024 को बिहार सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम विभागों के वरीय पदाधिकारियों को जो विभाग के तरफ से नामित किया गया है उनकी बड़ी बैठक बुलाई गई है और यह बैठक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभागार में आयोजित किया गया है, जिसमें 45 विभागों के प्रधान सचिव और सचिव भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और सभी विभागों का समय तय कर दिया गया है कब से कब बैठक होगी। लेकिन यह बैठक 5 सितंबर को रखी गई है। हमारे पास वह पत्र है, हम चाहेंगे कि आप देखें, पहले इस पत्र को आप देख ले और इस विषय में बताएंगे कि आखिर यह पत्र में है क्या। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से आग्रह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक बड़ा पत्र जारी हुआ है योजना विकास विभाग के द्वारा और बता दें कि योजना एवं विकास विभाग ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है और यह बैठक 5 सितंबर 2024 को है। दरअसल यह बैठक जो है वह मासिक बैठक है और वार्षिक स्कीम 2024 के लिए अनुसरण की मासिक बैठक से संबंधित है और पत्र जारी करने वाले हैं अजय कुमार, उप निदेशक, पत्र संख्या 4748 है और सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव राज्य स्कीम से संबंधित सभी विभाग बिहार पटना को संबोधित करते हुए लिखा गया है। वार्षिक स्कीम 2024 के लिए अनुसरण की मासिक बैठक से संबंधित महाशय निर्देशानुसार आयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक स्कीम 2024 के अंतर्गत माह अगस्त 2024 तक किए गए व्यय की समीक्षा हेतु बैठक दिनांक 5 सितंबर को पूर्वाहन 11:30 बजे से संलग्न रोस्टर के अनुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के सभागार में आपके विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारियों की बैठक निर्धारित की गई है, जिसके लिए नियमानुसार प्रतिवेदन अपेक्षित है। विभागीय पत्रांक 298 द्वारा संसूचित के अनुसार माह अगस्त 2024 के व्यय प्रतिवेदन प्रपत्र ए और बी योजना विकास विभाग के पत्रांक 4549 द्वारा भेजे गए संशोधित प्रपत्र ए और बी के सभी कॉलम में सूचनाएं अंकित की जानी अपेक्षित है। विभागीय पत्रांक 3859 द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति उप योजना जनजाति उप योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार से राशि की विमुक्ति हेतु राज्य स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अन्य कार्रवाई की अंतिम स्थिति को प्रतिवेदन भी अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों का माह अगस्त 2024 तक का व्यय प्रतिवेदन विहित प्रपत्रों में ईमेल पर भेजना है। हार्ड कॉपी का एक प्रति दिनांक कितना तक जो है उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, इसको लेकर पत्र में लिखा गया है। ग्रामीण कार्य विकास, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल बिहार को भेजे जाने वाले मासिक प्रतिवेदन दिनांक तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा किया जा सके, ताकि वह समय पर माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजा जा सके। तथा अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं स्वसमय संलग्न रोस्टर के अनुसार वांछित प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भाग लेने हेतु अपने विभाग के नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा की जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो 5 सितंबर 2024 को निर्धारित बैठक है, उस बैठक में आप लोगों के विषय में बता दूं कि यह बैठक 11:30 बजे पूर्वाहन से शुरू होगा, जो कि यह बैठक अर्थ सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के सभागार में होगा, जिसमें विभागों का नाम क्रमशः है कृषि, पशु, मत्स्य संसाधन विभाग, कला संस्कृति, युवा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय, वाणिज्य कर सहकारिता, आपदा प्रबंधन, शिक्षा विभाग, ऊर्जा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य गृह उद्योग विभाग, इसके बाद आपको बता दें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है। इन तमाम विभागों की बैठक जो है 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक होगी। आपको बताते चले कि प्रत्येक विभाग प्रत्येक माह एक तिथि तय होती है और इस तिथि को सभी स्थिति में सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों की अपने अपने विभाग का ब्यौरा को लेकर बैठक बुलाई जाती है और वहां समीक्षा होती है। उसके बाद राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रत्येक विभाग के खर्चे का ब्यौरा जो है भेजना होता है, ताकि उसी के हिसाब से अगले माह का पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आ सके। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अधिक जानकारी के लिए आप योजना विकास विभाग के वेबसाइट पर जाकर के भी इसे पढ़ सकते हैं।